हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन विथ ग्रेस ऑफ गॉड, राइट। आई वेलकम यू इन माय इंग्लिश सेशन। सो लेट अस स्टार्ट अवर डे विथ गणेश श्लोक एज यूजुअल। सो ऑल ऑफ यू प्लीज जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। लेट अस रिसाइट गणेश श्लोक। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू हैव कंप्लीटेड होमवर्क एज आई हैव असाइंड यू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट words, right? Last time we have learned vowel I and O in three letter words, right? Let us recall, I have teach you how to pronounce and how to write with that, clear? So in the primer section also I have teach you in detail, and in English section I have also teach, right? Now we will start with the U vowel, but before that we again writing with the three letter vowel sound I and O. Are you ready? Let us start. Yes students, last time this I sound, I ka pronunciation kya hoga? E, pa, e, na, peen. Okay, how we are writing that also I have shown you. प ई न पिन। देर आफ्टर ट ई न टिन। ओके, देर आफ्टर बी आई एन ब ई न बिन। And thereafter, last was D I N, D E N, Din. Okay, ये भी सीखा था और O का हमने pronunciation भी सीखा था. That was C O P, C O P, cop. M O P, M O P. Thereafter P O P, P O P, pop. And last was T O P, T O P. Okay, let us start with U vowel. Right, this is F U G, fug, fug. H U G, hug. J U G, jug. R U G, rug. Right, उसका pronunciation भी अ ही होगा. Right, now F U G, fog. A U G, hug. J U G, jug. And last R U G, rug. Okay, fog, fog. Hug, hug. Jug, jug. R U G, rug, rug. Okay students, thereafter
यू हैव टू कंप्लीट दिस पेज एज यूजुअल विथ प्रोनाउंसिएशन. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट टूडे. लेट अस लर्न वर्ड फॉर्मेशन ए एंड बी. राइट, ए और बी से हम यहाँ पे वर्ड का फॉर्मेशन. सी स्टूडेंट्स, अब हमें प्रोनाउंसिएशन करना आ गया है. राइट, अच्छे से हमने इंग्लिश में भी ये सीख लिया एज अ पार्ट. एंड दूसरा हमने कहाँ पे ये वाली चीज सीखी, प्राइमर में. वेरी गुड. एंड मैंने आपको बैक टू बैक दो वीडियो इसलिए ही सेंड किए दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस. क्लियर? सो हियर वी आर कंक्लूडिंग दैट पर्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन वर्ड. नाउ हम अब सीखेंगे वर्ड का फॉर्मेशन, यानी आप जो भी वर्ड्स बोल रहे हो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है. राइट, लाइक सपोज ए से स्टार्ट करें तो ए से स्टार्ट होने वाले ए एन टी, देर आर लॉट्स ऑफ वर्ड्स स्टूडेंट्स, बहुत सारे वर्ड्स है. राइट, बट हमारी बुक में आपकी एज के अकॉर्डिंग छोटे छोटे वर्ड्स दिए हैं जो आपको समझ में भी आते हैं और लर्न करने में भी इजी हो. ओके, तो सबसे पहला वर्ड है ना वो हम सीखेंगे ए से, ए एन टी, ए एन टी, एंड देयर आफ्टर दिस इज अ कैपिटल ए. ओके स्टूडेंट्स, ए आर टी, आर्ट. देयर आफ्टर नेक्स्ट वन ए एक्स ई, एक्स. एंड लास्ट विल बी ए आर एम. क्या होगा ए आर एम स्टूडेंट्स? वेरी गुड, आम. चलो नेक्स्ट बी का देख लेते हैं. बी से स्टार्ट आने वाले कितने वर्ड्स हैं? बी ओ एल डी, बोल्ड. देयर आफ्टर बी ओ ए टी, बोट. नेक्स्ट विल बी बी यू जी, बग. एंड लास्ट इज बी डबल ई, बी. ओके, सो टुडे वी हैव लर्न्ड ए और बी से वर्ड फॉर्मेशन भी सीखा और जो वोवल साउंड यू था वो भी हमने इंग्लिश में कंप्लीट कर लिया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन हियर. नेक्स्ट टाइम हम सी और डी से स्टार्ट होने वाले कुछ स्पेलिंग्स देखेंगे. राइट, एंड मैंने जैसे प्राइमर में भी आप लोगों को बोला है, अगेन मैं इंग्लिश के सेशन में भी आपको ये बता रही हूँ कि प्लीज ट्राई टू राइट एटलीस्ट 5 डिक्टेशन वर्ड्स. राइट, डेली आपके मम्मा है, डैडी है, ग्रैंड पेरेंट्स है, किसी को भी बोला 5 एटलीस्ट वो आपको वर्ड्स दे, डिक्टेशन वर्ड. राइट, सो यू हैव टू राइट एनी 5 वर्ड्स डेली इन योर होमवर्क. ओके स्टूडेंट्स, सो यहां तक रख रही हूं. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम सी और डी वाला कंटिन्यू करेंगे. ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर. और बहुत ही ठंड पड़ रही है इसलिए स्वेटर है, स्कार्फ है वो पहन के रखना है, कैप है तो कैप पहन के रखनी है, ठीक है? और मम्मा डैडी का कहना मानना है. ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स.